सबसे पहले मिडिल पार्टिंग या सेंटर पार्टिंग, जब हम लोग कोई भी कट करेंगे तो सबसे पहले मिडिल पार्टिंग से क्या रहेगा, बाल दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब लेंथ के हिसाब से, जैसे क्लाइंट कितना लेंथ रखता है अपना, यहाँ तक रखेगा, ज़्यादा छोटा बड़ा कितना कराना है उसको। यदि क्लाइंट को बिल्कुल बाल कम नहीं कराने हैं तो आप सिर्फ इतना ही, जितनी बाल डैमेज है उतनी बाल को निकालिए, उसके बीच का बाल जिसको हम भी होगी मेरी गाइडलाइन। अभी भी बालों को देखती हुई हूँ, अभी गाइडलाइन रही और इधर के बाल, तो इसको हल्का सा मिलाते हैं। थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए और बाल जिस दिशा में रहे, जैसे ये बाल मेरे इस साइड आ रहे हैं तो इसको पूरा पीछे ले जाके नहीं काटेंगे, इसको बस इसी साइड में जाके रखेंगे। इतना ध्यान रखना कि ये बाल हमारे इस साइड आ रहे हैं तो हमको इसी साइड में कट करना है। यदि हम सोचे इसको इस साइड ले जाके काटे तो कटिंग अच्छी नहीं होगी। फिर इधर के बाल आ गए तो इधर के बाल, और जितनी बार बालों को लेंगे पीछे वाले बाल गाइडलाइन के रूप में लिए रहेंगे उससे वो मिलता जाएगा। इस साइड में उसी तरीके से बीच का गाइडलाइन ले लिए यहाँ से, फिर उसके साथ साइड वाला बाल भी। अब देखिए ये बाल इस साइड आ रहा है तो इसलिए इसी साइड कंघी है कैच। जब यहाँ से कंघी शुरू करेंगे इस तरीके से करें कि आगे के बाल और पीछे के बाल दोनों बराबर आ जाए, दोनों साइड के बाल आ गए, इस साइड के भी उस साइड के। और एक तरीका बालों का ये भी है कि जैसे हम यहाँ से जो कट किए हैं उस बालों को उठा लें यहाँ तक इस बार, और यहीं से पास के बाल उठा लें। अब इन दोनों बालों को मिला के, इन दोनों बालों को मिला के कट करेंगे बराबर से आएगी, इधर से उधर दोनों साइड बड़े छोटे नहीं होंगे।
छोड़।